दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों का सबसे बड़ा सम्मेलन प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मंगलवार से नई दिल्ली में शुरू हुआ। सम्मेलन के पहले दिन प्रवासी मामलों के मंत्री वाईएल रवि ने कहा कि वैश्विक मंच पर भारतीय युवा प्रतिभाओं का उभरना बताता है कि लगन और मेहनत की जड़ें भारतीय संस्कृति में बहुत गहरी हैं। वाईएल रवि ने उम्मीद जताई कि विभिन्न देशों में फैले भारतीय युवाओं का एक साथ आना भारत के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। दिस इज एन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन विद ग्रेटर ट्रेड एंड बिजनेस लिंक्स बिटवीन नेशंस। इट इज माय विश that Indian youth and their diaspora counterparts should come together in developing strong networks which would lead to partnerships in trade, industry, entrepreneurship and social work. सम्मेलन के दूसरे सत्र में सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कहा कि प्रवासी भारतीय मंच को और बढ़ावा देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत और भारतीय समुदाय की आबादी वाले देशों के युवाओं खासकर भारतीय छात्रों के साथ बातचीत और संपर्क को बढ़ावा देना चाहिए। This platform which the Pravasi Bharati Devas provides should really broad-base itself, should really expand, whereby in addition to the formal connect, the non-formal connect, the interface between young people who come here as delegates, you know, from countries around the world and our own young students in schools and colleges and universities should get to meet each other a little more frequently. सम्मेलन की थीम युवाओं पर आधारित है। उद्घाटन के ही मौके पर युवा और खेल मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार जल्द ही एक नई राष्ट्रीय युवा नीति का ऐलान करेगी। The government of India in the process of introducing national youth policy with a vision of empowering the youth of the country to achieve their full potential. प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी तक चलेगा। दरअसल प्रवासी भारतीय दिवस हर साल 9 जनवरी को मना जाता है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के अपने प्रवास से भारत लौटे थे। हर साल 9 जनवरी को विशिष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित भी किया जाता है और इस बार के सम्मेलन में मलेशिया के प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण मंत्री जी पालनीवेल मुख्य अतिथि हैं। मंजीत ठाकुर, डीडी न्यूज़।